तैयारी तो देखिए हमने इतना काम किया है जितना बन सके हैं, हम लोगों ने सारे काम किए हैं। पंचायत चुनाव 2022, किसके सर पर होगा ताज? क्या जनता अपने मुखिया से खुश है या खोज रही है नया? पूरा बढ़िया पंचायत में नहीं है तो हम कैसे खुश रहे? तो उम्मीद है कि इस बार भी जनता साथ देगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद है कि आपने हमें पिछले चुनाव में मौका दिया और आज में हमने मुखिया चुना। इस बार भी हमें मौका दीजिए, जितने भी काम रही सही कसर जो है उसे हम इस बार फिर से खत्म करने की कोशिश करेंगे। पिछले 5 साल में जो सरकार का गाइडलाइन के अनुसार जो भी था, शौचालय था, आवास मिलना था, पेंशन मिलना था या राशन कार्ड बनना था, वो सब जितना भी हम किए हैं ये तो जनता का सरपरी है कि जनता जिसको चाहेगी उसको चुन के सर। तो मैं जनता से यही निवेदन करूँगा कि आप वोट भाई भतीजा या परिवारवाद को देख के नहीं दीजिए, जो विकास करने लायक हो, जो व्यवहारिक आदमी हो वैसा आदमी को दीजिए। क्या गांव की सड़कें हैं पक्की या गड्ढों से परेशान है जनता? क्या शिक्षा व्यवस्था है चुस्त या बैग धो रहे हैं विद्यार्थी? शिक्षा व्यवस्था ठीक है और बेहतर देखेंगे हम। कोई घर का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहे, जरूरत पड़ेगा तो उसको हम आर्थिक मदद भी करेंगे, अपने स्तर से भी करेंगे, सरकारी जो प्रावधान है उसके तहत भी उसको मदद करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि पहले सर्वप्रथम प्रत्येक घर का बच्चा शिक्षित हो, किसी कारण से अगर नहीं जा पा रहा है या उसका घर में किसी प्रकार को कोई समस्या है, वैसे समस्याओं को भी अपने स्तर से लग भीड़ के निदान कर देना है। मुखिया ने फिर से जिताने की है अपील, गिनाया अपना काम। इस बार भी हमें मौका दीजिए, जितने भी काम रही सही कसर जो है उसे हम इस बार फिर से खत्म करने की कोशिश करेंगे। जीएन भारत की टीम रांची के बोड़िया गाँव में पहुँची। जीएन भारत के दर्शकों बैठ जाइए दिल थाम के, क्योंकि हर गांव का सच दिखाने के काम में लग गए हैं हम। काम हुआ है वही पानी का, नाली का और लाइट का, बस तीन काम। हमारा अंदाज में तीन काम, हमारा अंदाज से तो वही। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।